ये दो छपरी से लौंडे मिल गए हैं, तब से रेस लगाई जा रहा है यार। क्या सीन है, मतलब पागल हो रखे बैठ। होय 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 भाई, अलग लेवल की व्यू है यहाँ पे। What's up guys, welcome back to my channel, this is your Wicked Rider. तो अभी कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से बैंगलोर के लिए निकल रहा हूँ। द डिस्टेंस इज 963 किलोमीटर्स। कोई लिमिट पुश करने वाली बात नहीं है, बट ओनली थिंग इज जहाँ तक कंफर्टेबल लगे वहाँ तक चलाऊँगा गाड़ी, और उसके बाद में देन जहाँ स्टे मिलेगा वहाँ रुक जाऊँगा। तो अभी सीन कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ से अपने को ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए होपफुली, क्योंकि पीक आवर्स नहीं है, बट पुणे पहुँचते हुए मे भी शायद अपने को ट्रैफिक मिले। ट्रैफिक जाम इज़ अ पार्ट ऑफ राइड, बस ये रहता है कि एक बार ट्रैफिक जाम से थोड़ा सा निकल जाओ तो एग्जॉस्ट नहीं होती है बॉडी, मेन चीज़ वही रहती है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो देखना भाई, मुंबई का मैंने जो मुंबई राइड किया उसमें मुंबई में जो अच्छी अच्छी जगह थी सारी कवर की। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन मुंबई, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो यहाँ से मेरे को जो रास्ता दिखा रहा है पनवेल का लेफ्ट दिखा रहा है, तो नवी मुंबई में आते हैं तो पनवेल होके ही जाना पड़ेगा अगर आप लोग बैंगलोर जा रहे हो तो, क्योंकि वो जो रास्ता है दैट इज़ वाया पुणे। यहाँ से जो मेन मुंबई पुणे हाईवे है वो ज्वाइन कर चुका हूँ, तो रास्ता तो यही है। याद तो आ रहा है कि मैं इसी रास्ते से आया था। एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है वो पीछे से कट गया और अभी अपने को यहाँ से स्ट्रेट निकल जाना है। तो ये पुणे वाला रास्ता है, ये दो छपरी से लौंडे मिल गए हैं, तब से रेस लगाई जा रहा है यार, पता नहीं क्या सीन है। ये पड़ा है पहला टोल, अपने को यहाँ से लोनावला दिखा रहा है 43 किलोमीटर। तो लोनावला कवर करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद वाला भी एक्चुअली टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा कुछ घाट सेक्शन नहीं है। मतलब इधर थोड़ा सा घाट पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, बट ईजी है रास्ता यहाँ का। इधर आगे से होने वाली है पहाड़ी शुरू और अभी आएगा घाट सेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा बस देख के चलना रहेगा क्योंकि कंफ्यूजिंग रोड रहता है ये वाला हाईवे, जो मतलब बाइक्स उन सब के लिए है। ये बीच में क्रॉस करके कहीं पे एक्सप्रेस वे पे मिल जाता है एंड उसका प्रॉपर जो है मार्किंग नहीं है। घाट सेक्शन शुरू हो चुका है और अपने को जो डिस्टेंस है 910 दिखा रहा है। दैट लोनावला पड़ता है बेसिकली 68 किलोमीटर जहाँ से मैं निकला था। लवली व्यू मैन, यहाँ से देखो मतलब बहुत अल्टीमेट वाला नज़ारा आता है। अभी थोड़ा सा फॉग अप सा हो रखा है तो इसलिए पूरा पहाड़ी क्लियर नहीं देख रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे चलती चली जाती है रोड। वाओ, एक तो यहाँ से हम लोग पहुँच गए हैं लोनावला, जहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टे कर रहे थे। हम लोगों का IBW का इवेंट हुआ था तो काफ़ी जल्दी पहुँच गया यार, मेरे को टाइम भी नहीं पता लगा। इस वाले हाईवे पे दो बार घाट सेक्शन पड़ता है, एक है जस्ट लोनावला के पहले और एक है यहाँ से हिंजेवाड़ी पहुँचने से पहले, तो दो बार मिलेगा। तो अभी एग्जैक्टली 100 किलोमीटर में कवर कर चुका हूँ यहाँ से पुणे दिखा रहा है 39 किलोमीटर्स। वड़गांव कटराज सारा आगे दिखा रहा है, अपने को लेना है फ्लाई ओवर। इधर से नीचे साइड चले जाते हैं तो वो मेन पुणे वाला सिटी आता है। पुणे हो चुका है पूरा क्रॉस और मैंने दोबारा NH 48 पे चल रहे थे। अभी खाली रोड हो गया है, अभी दौड़ा सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखेंगे कहीं पे रेस्टोरेंट अगर कुछ मिलेगा तो कुछ खा भी लेता हूँ। तो सतारा दिखा रहा है 100 किलोमीटर, बैंगलोर 832।
तो अभी पेट्रोल फुल हुआ है 11.26 लीटर्स एंड 1235 का। थोड़ा सा ट्राई करते हैं जितना महाराष्ट्र वाला पार्ट कवर कर लें, मतलब अंधेरा होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छा नहीं है। और इधर पे आती है टनल, कैसे बोल सकता हूँ, मज़ा आता है टनल में चलाने में, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। स्पेशली अगर आप लोगों के पास में इनलाइन फोर है ना, तो टनल में चलाने का मज़ा अलग है। ये है न्यू कटराज टनल, 1458 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर लंबी टनल है। तो पागल हो रखे पे, बेवकूफ लोग होता है, कभी इधर कर दे रहा कभी उधर कर दे रहा, कुछ भरोसा नहीं ऐसे। वाह, क्यों करना नहीं पता, रोड स्ट्रेट है बट। ओवर स्पीड करके टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है, अपने ही तो लाइफ का कुछ है नहीं, मैं दूसरों की लाइफ का भी वो नहीं है। कहीं मेरा टायर पंचर हुआ था, शिवरे जगह का नाम है शिवरे, और आगे कहीं पे पेट्रोल पंप था। लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है, आसपास बहुत पहाड़ियाँ सी हैं, और इधर साइड में निकल गई अपनी पुणे वाली पहाड़ी। ये काम बढ़िया हो गया यार यहाँ से। तो अभी मैंने पी ली है थोड़ी सी रेडबुल यहाँ शेल सेलेक्ट के पेट्रोल पंप पे, अगर कुछ ना मिले तो शेल सेलेक्ट में हमेशा ये चीज़ ओपन रहती है, सो यू कैन गेट समथिंग अगर आप लोगों को कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत है। होय 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 भाई, अलग लेवल की व्यू है यहाँ पे, इधर साइड में दोनों साइड में लेक है, सनसेट हो रहा है आगे अपने, क्या बात है, वाह यार। अभी हम लोग आ चुके हैं सतारा के टोल पे, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है। अब आएगी दिक्कत ड्राइव करने में, क्योंकि नाइट विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो अभी यहाँ से बेंगलोर दिखा रहा है 684, कोल्हापुर 72। कोल्हापुर एक बार क्रॉस कर गए थे, उसके बाद में मस्त वाला हाईवे मिलेगा क्योंकि कर्नाटक शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं जस्ट नाउ कोल्हापुर, तो यहाँ पर तो लाइन से हैं सारे होटल। यहाँ पे हो गया है महाराष्ट्र एंड, और यहाँ से शुरू हो गया एक्चुअली कर्नाटक, तो सही है यार। एंड पेट्रोल प्राइस इज बैक टू कितना, आई थिंक 100। सोलो वैसे थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट आई एम नॉट काइंड ऑफ अ सोलो राइडर, मेरे को कोई ना कोई चाहिए रहता है। ये वाला पहले से मैंने उस टाइम पे देखा था, और अभी क्या अलग लेवल का चमक रहा है पूरा मस्त। हुबली रह गया है 30 किलोमीटर्स, और जो सिंगल लेन हाईवे है वो शुरू हो चुका है। सो गाइज, अभी का जो डिस्टेंस बेंगलोर तक का रहता है दैट इज़ 359 किलोमीटर्स, और मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लॉज में रुकना पड़ रहा है। सब व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज विकेट एरर, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कल का कुछ सीन ऐसा था कि मैंने हुबली क्रॉस किया, और हुबली क्रॉस करने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आया। कुछ सीन ऐसा था कि मैंने अपना ये स्टे बुक कर दिया एक पास में, होटल पंचवती करके है, और ये हुबली से जस्ट थोड़ा सा आगे जाके, तो मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया रात के 11:30 बजे।
क्योंकि उससे पहले कोल्हापुर पड़ा था, कोल्हापुर के बाद में हुबली है, बट हुबली थोड़ा सा मेन हाईवे से लेफ्ट जाके है। अभी क्या सीन है, यहाँ से चलते हैं, देखता हूँ आसपास कहीं ब्रेकफास्ट मिलेगा तो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट निपकाएंगे। मोमन सेट हो चुका है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। सामान वामान सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है यार। अभी थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लग रहा है, वैसे कल थोड़ा सा टायरिंग हो गया था यहाँ तक, ऑब्वियसली मतलब अब 1000 किलोमीटर्स था तो कांट से कब नींद आ जाए अचानक से, बीच में कुछ नहीं कर सकते। अभी खुला क्यों है, जो बन रहा है अभी। तो रिवर पड़ी है भाई, कौन सी रिवर है, मस्त लगता है यार। मतलब मेरे को एक्चुअली इधर से जब जहाँ जहाँ खेत पड़ता है ना, क्या मतलब पूरा इंडियन वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे इस एरिया में पूरे में विंडमिल है, यहाँ पे एक फोटो निकाल लेते हैं छोटा सा। लवली ब्यूटीफुल प्लेस है यार, मतलब ये देखो उधर पे विंड मिल है, यहाँ पे विंड मिल है, पीछे और पूरे पहाड़ियाँ सारी विंड मिल्स ही हैं। और यहाँ से क्या नज़ारा है, बैंगलोर यहाँ से रह गया है 184 किलोमीटर्स, तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 184 किलोमीटर्स कवर करने में। उसमें से 60 किलोमीटर्स का तो तुमकुर के बाद का रास्ता है। बैठे बैठे दुग्गी भाई, ये वाला टोल आ चुका है, वेलकम टू काराजीवनहल्ली टोल। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा चाय वाय का दुकान है तो चाय वाय पीते हैं। अभी मैं नीलमंगला टोल रोड जो है वो ज्वाइन कर चुका हूँ। यहाँ से हम लोगों ने मीटअप स्टार्ट किया था इससे थोड़ा सा आगे, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे सीधा डायरेक्ट लोनावला। तो फाइनली मैं बेंगलोर पहुँच चुका हूँ, और आज का वी राइड अमेजिंग था। और अगर आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे, पिछले वाले ब्लॉग्स देखना, 5 डेज का सीरीज़ है। एंड अगर पसंद आता है सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज योर विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।